किसानों को अतिवृष्टि के कारण हुई मुसीबतों के चलते विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पंचनामे तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले किसानों को मदद मुहैया कराए। नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। भारी बारिश और गंभीर क्षति होने पर ही आपातकालीन सहायता प्रदान की जा सकती है, तब व्यक्तिगत पंचनामे की आवश्यकता नहीं होती। पंचनामा जारी रहेगा, लेकिन किसानों को तत्काल मदद की जरूरत है, ऐसा वक्तव्य विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया। खरं म्हणजे ज्यावेळी अशा प्रकारची परिस्थिती असते त्यावेळी पहिल्यांदा नजर आणेवारीच्या आधारावरच आपल्याला त्या ठिकाणी मदत करता येते। इंडिव्हिज्युअल पंचनाम्याची त्यावेळी आवश्यकता पडत नाही आणि मला असं वाटतं की पंचनामे होत राहतील, पण पहिल्यांदा तातडीची मदत काय करता येईल याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह मांग की। मंत्री और गणमान्य लोग अगर उस जगह पर गए तो लोगों को राहत मिलती है, लोग समझते हैं कि कोई हमारी बात सुन रहा है। मैं भी कल दौरे पर जा रहा हूँ, मेरा 3 दिवसीय दौरा वाशिम से शुरू हो रहा है। आगे फडणवीस ने कहा कि हम बाढ़ की स्थिति से सरकार को अवगत कराकर ज्यादा से ज्यादा मदद पाने की कोशिश करेंगे। वही उन्होंने आगे कहा कि राज्य में अब तक जो आपदाएं आई है उनके समय में भी की गई घोषणाएं हवा में हैं, कई घोषणाएं सिर्फ कागजों पर ही रह गई है, ऐसा उनका कहना था। इस संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने जो जीआर जारी किया था उसी तरह से मदद की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने अब तक वह मदद नहीं दी है। शेवटी मंत्री किंवा राज्यातले प्रमुख लोक त्या ठिकाणी जर गेले तर एक प्रकारे प्रशासन देखील जागा होत असतं आणि लोकांना काही ना काही दिलासा मिळत असतो, कारण अशा परिस्थितीमध्ये कोणीतरी आपला ऐकताय असं लोकांना वाटलं पाहिजे, ते महत्त्वाचं असतं। मी स्वतः उद्यापासून मी आणि आमचे विरोधी पक्षनेते विधान परिषदेचे प्रवीण दरेकर आम्ही देखील उद्यापासून मराठवाड्याच्या आणि दौऱ्याची सुरुवात करतो आहे, वाशिमपासून आम्ही सुरुवात करतो आहे आणि बऱ्याच भागामध्ये आम्ही 3 दिवस जाणार आहोत। मला असं वाटतं की मग तिथली जी परिस्थिती आहे ती सरकारपर्यंत पोहोचवून आणि सरकारकडनं जास्तीत जास्त मदत कशी मिळवतेला प्रयत्न आम्ही करू। इस बार उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की टिप्पणी का जवाब देने से इनकार कर दिया। नाना पटोले कुछ भी बोलते हैं, ऐसा उनका कहना था, उस पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, वह अमेरिकी राष्ट्रपति की भी आलोचना कर देंगे, तो क्या हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा सवाल इस दौरान उन्होंने खड़ा किया। पटोले कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी हर बात का थोड़ी जवाब दिया जाता है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। नाना पटोले ऐसे आदमी है कि वो तो मतलब अमेरिका के अध्यक्ष के बारे में भी बोल सकते। राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लगातार कोरोना संकट के समय किसान, मेहनतकश निर्वाह किसान इन अकस्मातियों का शिकार न हो और उन्हें स्वतंत्र रूप से कोई मदद नहीं दी जा रही है, ऐसा भी इस दौरान फडणवीस ने कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।